पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरसात को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा बरसात को ध्यान में रखते हुए बोल्डर, क्वेरी डस्ट, सीमेंट के खाली बैग, सर्विस गर्डर, वुडन स्लीपर, सीसी क्रिप, टेंट तथा तारपोलीन को पिछले बरसात को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में भंडारण ऐसे स्थान पर किया गया है जहां से सुविधा पूर्वक सामानों को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। उन्होंने कहा, तीनों मंडलों में सामग्री को रखने के लिए जगह को चिन्हित किया गया है। लखनऊ मंडल के नकहा जंगल में बिजी ट्रस्ट व बोल्डर को रखा गया है, साथ ही कुछ अन्य सामग्री को अंडरग्राउंड करके रखा गया है। इसके अलावा कुछ जगहों को चिन्हित करके रखा गया है। बारिश होने पर उन जगहों पर पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में पानी ज्यादा भरा हुआ है या कटान हो रही है, तो ऐसे जगहों को कटान से रोकने के लिए बोल्डर को लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगाया गया है, जिसका मैसेज संबंधित विभाग को जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वाटर लेवल कितना बढ़ा है। उन्होंने कहा, बारिश के मौसम में ट्रेन से पूरी तरह से चले, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, हर वर्ष की भांति बारिश के मौसम में कई सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे कि हम लोग मटेरियल स्टैक करके रखते हैं अलग अलग स्थानों पर। कुछ मटेरियल ऑन व्हील रखे जाते हैं, जिनको इमरजेंसी की स्थिति में जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे तुरंत चलाया जा सके, और कुछ मटेरियल ऑन ग्राउंड स्टैक करके रखे जाते हैं। तीनों मंडलों में ऐसे जगह आइडेंटिफाइड हैं जहाँ मटेरियल रखे जाते हैं। अगर लखनऊ मंडल की बात करें तो नकहा जंगल में जो बीजी वैगन्स हैं, ब्रॉडगेज वैगन्स हैं, उसमें क्वेरी डस्ट और बोल्डर रखा जाता है, साथ ही साथ कुछ मटेरियल ऑन ग्राउंड स्टैक करके रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले वर्षों का हमारा अनुभव है, उसके आधार पर हम लोग कुछ लोकेशंस को चिन्हित करके रखते हैं जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं। बारिश होने पर उन जगहों की पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना प्रकाश में आती है या ऐसा लगता है कि कहीं कुछ क्रॉस लेवल गड़बड़ हो रहा है या कहीं कटान हो रही है, तो ऐसे लोकेशंस को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो ब्रिजेज हैं महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर, उनमें जलस्तर की निगरानी के लिए वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से SMS जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके पास जाता है, जिससे कि उनको डेली का डेली ये पता चलता है कि जलस्तर कितना है अभी नदी में। तो ये सभी तैयारियां रेलवे की हुई है, और बारिश के मौसम में ट्रेनें निर्बाध रूप से चलें, इसके लिए रेलवे पूरी तरह से सजग और तैयार है।